नहीं नहीं मारेगा कौन यार, वो जो आपने छोटा बंदा होता है ना सर, उसको डर होता है। नहीं डर डर वाला कोई मसला नहीं, नहीं आपने माँ बहन पे आपने गाल निकाली, मैंने अगर गाल निकाली होगी आपके साथ कभी बदतमीजी की होगी वो अलग बात है, ठीक है। मैंने आपके साथ सर कोई बदतमीजी नहीं की है, मैं किसी के साथ मेरी बात सुन ना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू किस कैपेसिटी पे बैठे हो, बोल रहा है की आप 50% कमीशन ले रहे हो, 30% कमीशन ले रहे हो, किसने मांगी तेरे को, किसने मांगी, किसने तेरे को, आपने मांगी मेरे सामने टेबल पे बैठे हुए, और किसने मांगी, मैं मांग रहा था आपको बोला कमीशन के लिए हमारे वो काम करो सर, मेहरबानी लोग तंग कर रहे हैं, आप कल परसों नचाने लगे, आपने बाद में आपके पास आए, मैंने बोला जो आपका बनता दे देंगे, मैंने बोला सब पंचायतों को पेमेंट होगी, मैं भी मेरे से पैसे लिए बने, हम गरीब पार्टी है, गरीब पंचायत है, हम पैसे इकट्ठे करके दे दिए आपको, अपने वो बड़े बंदों से डर लगता है सर, डर वाला कुछ नहीं, उस दिन भी जबरदस्ती की, मैंने तेरे को 100 बार मना किया, अगर हमें सर अनपढ़ गवार ऐसे कहीं मारोगे तो बच्चे कौन पाले, नहीं गलत बात करोगे तो मार तो पड़ेगी, मैं ठेकेदारी करूँ, भाई मेरी बात सुन, मैं ठेकेदारी करूँ या जो मर्जी करूँ तो उससे तेरे को क्या मतलब, मैंने तेरे से उधार मांगे कभी यार, ठेकेदारी मांगनी, कमीशन मांग रहे 20-25% दो तब पेमेंट होगी, 2% वो मांगता है, 2% वो मांगता है, हमें क्या पता कौन मांगता है, तू जिससे मर्जी देख वहाँ पे जेई मैंने दूसरे अलॉट कर दिए, ठीक है ना, तुम उससे बिल बनवाओ एक बार, ठीक है ना, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट का चार्ज है, मेरे पास कोई खाली तुम्हारी पंचायत बकवास करने के लिए नहीं है, नहीं नहीं आप अपना निबेड़ लो, जो आपको करना है जैसे आपने करना है, जेई से मिलो और अपने बिल बनवाओ, ठीक है, उसको पैसे पहुँचा के देंगे तभी काम करेगा, ऐसे काम करेगा, अब वो आप अपने हिसाब से देख लो, वो जो आपने उस दिन दफ्तर में रखे हैं पैसे, मैं अभी नहीं तो मैं कसम से मैंने साहब को बोल दिया, ठीक है, कि ये बंदा आया था जबरदस्ती आया था, इसने जबरदस्ती होता 30,000 रुपए रख के चला गया था, और अभी जाके हमारे पे करप्शन के इल्जाम लगा, चलो ठीक है सर, तो साहब को दे दो, मेरे खिलाफ कोई अगर कानूनी जुर्म है वो भी लगा दो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ सर, मैं गलत बंदा हूँ, अगर भाई मेरी बात सुन, अगर तेरे से किसी ने मांगे हैं पैसे और तब तूने क्यों नहीं मांगे सर, मैं पहले पैसे नहीं दिए, मेरी पेमेंट नहीं हुई, सबकी पेमेंट हुई, मेरी पेमेंट क्यों नहीं हुई, एक ही हो जाती, दो ही हो जाती, तब भी मानने वाली बात थी ना, मैंने तेरी फाइल ही नहीं कम्प्लीट, उनसे पूछ ले यार, पेमेंट जेई थोड़ी ना करता है, बिल जेई बनाता है, तेरे बिल बने हुए, मेरे पास रिकॉर्ड है 5 महीने हो गए, बिल बने हुए, आपकी मर्जी है, सब पेमेंटें हुई मगर मैंने पैसे नहीं दिए, मेरी पेमेंट नहीं हुई, मैं तभी मजबूर हो गया, आप जो पैसे दिए, मैंने बोला भाईचारे के साथ परसों मैंने एक ही बात किया आपके साथ की, मैंने बोला एक पेमेंट जो हमारी है उसकी, जो पहले काम हमारे तीन काम है या चार है उनकी कर दो सर, एक एक साल हो गया, आप बोलते हो अनपढ़ हो आप, नहीं मेरी बात सुन, मैंने मेरी बात सुन ना जी, जब मैंने आपको कल यही चीज समझाई कि यार भाई मेजरमेंट की पेमेंट नहीं होगी, ये कौन सी भाषा है कि आप बोलते हो अनपढ़ बंदे, आप समझते नहीं, हम अनपढ़ हैं, हम क्या समझे, ओ यार बात सुन यार मेरी, बकवास नहीं कर, मैंने ये बोला था कि मैंने कहा ये अनपढ़ वाली अनपढ़ बकवास नहीं करो, ठीक है, बकवास की बात आप थोड़ी इस दिमाग से सोच समझिए, ये पेन के और पैसे के गर्भ में नहीं रहना कहीं सर, ठीक है, ओ यार मैं तेरे को एक ही चीज समझा रहा हूँ, मैंने तेरे को ये बोला था कि अनपढ़ों की तरह, अनपढ़ सरपंचों की तरह बात नहीं करो, आप पढ़े लिखो, मैंने ये बोला था, नहीं, 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 आपने बोला बिना मेजरमेंट के तेरा दिमाग ठीक है यार, कैसे होगी पेमेंट बिना मेजरमेंट के, मैं तो आपको 2 महीने से फोन कर रहा हूँ सर, आपने बोला जैसे पेमेंट आएगी मैं खुद देख लूंगा, यार मेरी बात सुनना, पिछले 3 दिन पहले मेजरमेंट आपने बनानी है सर, मैंने थोड़ी बनानी है मेजरमेंट, यार 3 दिन पहले हमारे पास रिलीज आती है, लड़का हमारा हॉस्पिटलाइज्ड है बीवी को लेके, नहीं नहीं एक सुन रहे तो कल भी तेरे साथ यही बात डिस्कस हुई कि यार 3 दिन 4 दिन वेट कर ले, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने 2-3 महीने आपको पहले बोला सर एक दिन चलेंगे मैनेजमेंट लेंगे, आपने बोला है मेरी बीमारी ने मैं कर दूंगा, फिर आपने किसी के पीछे बार बार क्यों तंग करना, फिर आपने एक बार मैंने फोन किया बोला हमारे घर में प्रॉब्लम होगी मातमदारी होगी, मैंने कॉल किया आपको, फिर एक बार फिर मैंने किया, आपने बोला जम्मू में मुझे प्रॉब्लम है, मैं उधर गए हैं, मैं ये मैंने कॉल ही नहीं की, मैंने उसके बाद किया, आपने ये बात सुनाई, फिर मैं डर गया वहाँ लोगों के साथ क्या बोल रहे हैं, इधर ये एक साल के बाद और पेमेंट, लोग तो जूते मारेंगे हमें, आप बात ही नहीं समझते, बेवकूफ यार, आप मेरी बात सुनना, मैंने जब कल ही हुई मेरी बात परसों मैंने क्या बोला, आपने बोला सर, मैंने बोला एक ही रिक्वेस्ट की आपसे, मैंने बोला जो 3-4 काम हमारे हैं सर, नहीं नहीं मैंने आप मेरी बात सुनो यार, मैंने यही बोला कि देख 2 कामों के बिल बने पड़े हुए हैं 5-6 महीने पहले के जी,
मैंने कहा उनकी इनवॉइस, लड़का हॉस्पिटल में, उसकी बीवी बीमार है, उसको इस तरह परेशान नहीं कर सकता मैं। जैसे ही वो थोड़ा सा हमें कुछ अपडेट आएगी, मैं इन दो की डिटेल भेज दो, मैंने कहा मैं इनकी इनवॉइस जनरेट करवा दूंगा। यही बोला ना? बोला सर, मैं जुड़ने आपने मेरी बात सुन, मेरी बात सुन जी। अब तू एक ही चीज को लेकर बोल रहा है कि नहीं जी वो वाली उसकी ड्रेन की करो, ड्रेन की करो। फिर मैंने क्या बोला? मैंने कहा यार ड्रेन की पहले मेजरमेंट लेगी मैडम, जाएगी उधर मेजरमेंट लेगी, बिल बनेगा, फ्री पेमेंट होगी ना। मैंने ये तो नहीं ना मना तो नहीं ना किया कि वो नहीं होगी। नहीं नहीं, आपने बोला पेमेंट होगी, फिर एक साल रुकना पड़ेगा ना सर। अगर एक साल क्यों रुकना पड़ेगा? एक साल से क्यों रुक रहे हैं अभी तक हम? यार आज तक रिलीज नहीं आई थी तो इसलिए रुकना पड़ा। अच्छा मेजरमेंट कर देनी थी ना, जो काम कंप्लीट थे, आप आए नहीं उधर मेजरमेंट का। आपको बोला, आपने बोला मेरी जिम्मेदारी, मैं जाके किसी तरीके से मेजरमेंट लाऊंगा, उसके बाद बना के आपको दे दूंगा। यार मेरी बात सुन, देख गलती मेरी है सर, सब गलती मेरी है। नहीं गलती तो हमसे हुई है, गलती हमसे नहीं हुई है। एक अनपढ़ बंदा क्या बोल सकेगा? अनपढ़ वाली हरकतें तो तुमने ठीक ठाक करी है, वो तो तुम्हें वो तो पहले पता से है। अब एक काम करे, आप मेरी बात सुन सकते। देख अगर बात को तूने ज्यादा बढ़ाना है ना, मुझे मारना है ना आपने? नहीं नहीं मेरी बात सुन, अगर तूने ज्यादा अगर कुछ ज्यादा ही तूने अपलतून करना है तो तू वो भी कर ले फिर, ठीक है ना? वो आपने जो तूने उस दिन उधर जबरदस्ती पैसे रखे वो पकड़ के और उसके बाद पेमेंट अपने करवा। जबरदस्ती नहीं दी है मैंने, दुखी होके पैसे दिए। एक साल में रो रहा था भाई मेरे को। मैं तेरे को वही चीज कह रहा हूँ, उस दिन बार बार तेरे को मैंने कहा था कि जब तेरा काम होगा तब तू जो जिसके साथ जो जो हिसाब करना होगा तू कर लेना, इधर नहीं रख पैसे। हमारे पास पेमेंट एक अगर और पंचायतों को पेमेंट हुई, हमारी पंचायत को कौन सी प्रॉब्लम थी? पैसे नहीं दिया तभी नहीं पेमेंट हुई ना। अब वो अपना देखो, जाके दफ्तर में जेई के पास थोड़ा पेमेंट होती है यार। जेई जब जेई नहीं टेक्निकल बैंक पास करेगा तो कहाँ से देगा? आप बोलते हो भाई तुम्हारे बिल पास करे पड़े हुए हैं, छह महीने हो गए तेरे, दो बिल उधर पास करे हुए हैं, तो वो नहीं दिए तुमने तो दूसरे पास करके कौन से पास? ठीक है ना, आप वो तो पैसे नहीं मिले तभी नहीं आगे गए ना। इनकमिंग कॉल इज नॉट अवेलेबल ऑन दिस नंबर, इट विल बी रिज्यूम्ड पोस्ट। এই নম্বৰত ইনকামিং কল প্ৰাইজ পোৱা হয়, ৰিচাৰ্জ কৰাৰ পিছতহে এই সেৱা পুনৰ পাব। ইনকামিং কল। मैंने कहा वो जो उस दिन तूने उधर पैसे रखे ना वो लेगा, बाकी उसके बाद तूने जो करना। मैंने पैसे दिए आपको, मगर मैंने अपनी मजबूरी के कारण आपको पैसे दिए। मुझे मजबूरी थोड़ा वो मजबूरी नहीं 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 मजबूरी के। आपने पहले बोला कि मैं टैग ये बिल शिल बना के दूंगा, एक्शन से आप खुद कराओ। मैं आपके पास दो बार आया, आप मुझे और भी भाषा बोलने लगे। मैंने बोला सर, हाथ जोड़ के बोला कि लोगों की प्रॉब्लम है, लॉकडाउन है, गरीब। जो तूने स्टेप उठाया ना, मैं तेरे को एक क्लियर करके बात कर देता हूँ, ठीक है ना? जो तूने स्टेप उठाया ये तेरी नादानी है, ठीक है? मेरी नादानी। हम बिल्कुल ट्रैक पे थे, बिल्कुल सब मसला तेरा सेट कर दिया था। मैंने कल ये पत्री हुई, कल अगर आपने ये भाषा मेरे साथ बोली, मैंने आपके साथ बदतमीजी की होगी, कुछ बोला होगा। जल्दी करो, मैंने यही रिक्वेस्ट आपसे मैं छह महीने से कर रहा हूँ कि मेरी पेमेंट कर दो, चार बंदूक की, तीन बंदूक की करो। अब देख, अब इसके बाद ना तू एलिजिबल है मेरे को फोन करने के लिए, ना मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है ना? जो तूने कर दिया। एक बात सुनो सर, जब मैं काम मुझे कोई बंदा देगा ना, अगर सरपंच पंच या खरपंच, मैं जब पैसे लेने होंगे तो मैं फोन करूंगा ही करूंगा, नहीं तो दस बंदे मेरे पास फोन करूँ आप। मैं क्यों फोन करूँ आपको? मैं फोन करता ही नहीं हूँ आपको। मैंने पैसे लेने थे तभी फोन कर रहा था, मैं थोड़ी कोई आपको हाई लेवल दिखा रहा हूँ या कोई पैच। सरपंच खुद करेंगे, उनको कापियां दो, हमें कोई उनके साथ लेन देन, मगर सरपंच पैच हमें पैसे नहीं देंगे, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। पब्लिक ने काम किया, खून पसीना लगाया हमने। चल छोड़, दफा कर उनको। वो मैं सरपंच नहीं हूँ, नहीं खड़पंच हूँ, मैंने दिहाड़ी लगाई है, मैं दिहाड़ी के पैसे मांग रहा हूँ। ओ यार छोड़ यार, अब कर खिलासी, वेरिफिकेशन पे मैं पहाड़ ऊपर चढ़ के आया हूँ, अभी अभी मैं पहुंचा यार। बड़े बंदे के साथ बात में ना छोटा बंदा नहीं कर सकते, तो वो अपने पैसे पकड़ ले। कहा मार दोगे सर? डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा। वो तेरे को कोई नहीं मारेगा। बोला ना कौन सी भाषा बोली? अगर मैंने गलत बोली मैं जुर्मदार हूँ सर। अगर मैं किसी बंदे के साथ बड़े के साथ बदतमीजी करूँ या कुछ बोलूँ, मैं जुर्मदार हूँ। आपने बोला मैं उठा सकता हूँ, उठा सकता हूँ यार, फिर उठ जाते हैं इधर क्या है? जो इसको एक ही मरेगा ना बलियोद का, सारे दो डाल देगा और क्या। जहाँ पुलिस कंप्लेंट कर ले कि भाई इस बंदे से खतरा है मेरे को, और क्या हो सकता है? आप खुद बोल रहे हो की लैंग्वेज। मेरी बात सुना, मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं ठेकेदारी करूँ, मैं जो करूँ भाई, मैंने तेरे से कभी उधार मांगे तो तू वो बात कर सकता है ना? क्या सर है तेरे पास? तेरे को ये बात करने की क्या जरूरत है भाई? जब आप या मेरे साथ इतनी बदतमीजी, मैं इतना दबाव हूँ कि आपके सामने बात भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उससे तेरे को क्या लेना देना? तू अपने बिल्लों से मतलब रख, अपने कामों से मतलब रख। मैं जब तू फालतू की बातें करेगा तो इधर से फालतू की सुनेगा भाई, वो तो कन्फर्म है।
हाँ तो आप जब माँ बहने पे गाली निकालोगे तो आप क्या के दूसरे भाई मेरी बात सुनो, जब तू फालतू बात करेगा नहीं तेरे को मैं आज तक क्यों निकाली निकाली अगर अपने मोबाइल में देखना कभी मैंने अगर आपको गलत भाषा बोली होगी गलत भाषा तूने बोली तो तूने सुनी ठीक है ना, इसके लिए मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है और न मैं कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि उस दिन जो तूने दफ्तर में आके वो पैसे रखे हैं उसके बाद तू जान तेरी जेई जाने और तुम्हारा दफ्तर जाने ठीक है ना। मेरे पास जब फाइल आएगी मैं साइन करके मैं एक्चुअल सिचुएशन देखूंगा, मैं साइन करके मेरे टेबल पे फाइल पेंडिंग रहेगी फिर मेरे को फोन करना। नहीं 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 चलो आप ठीक है सर, आपके साथ कोई मत ऐसी बदतमीजी की आखिर इसके बाद पहले बोला मुझे। अब इस बदतमीजी को अगर तू आगे बढ़ाना चाहता तो तू बढ़ा ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। अब ये है कि अगर तू किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो ऑब्वियसली बात है भाई बदतमीजी सुनेगा। जब मैंने तेरे से प्यार से बात करी, परसों हमने प्यार से फोन काटा, अगर मैंने बदतमीजी करी होती तो डेफिनेटली तू मेरे को तभी फोन करता। नहीं 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 देखो सर मैंने बदतमीजी मैंने इतना इतना तेरे को बोला था कि यार तू कम से कम पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने आप करके बात बोली लेकिन तूने उसका भी समझा ही नहीं। मैंने बोला कि कम से कम अनपढ़ मतलब जो सरपंच होते हैं उनकी तरह तो कम से कम नहीं कर बात यार, मेजरमेंट के बाद ही बिल बनता है। मुझे भी पता है तू 10 लोगों को लेके चले के आ गया एडी या एसीडी के पास, या अगर एसीडी ने कुछ बोला तेरे को या उसने तो तू उसके साथ बात करना, उधर से मेरे को फोन करके क्या मेरे को दाड़े मार रहा है। मैंने दाड़े नहीं मारे आपको। ओ भाई बात सुन यार, मेरी बात सुन ना, मेरे को कोई कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तेरे को प्रूव ही करना है ठीक है ना, कि क्या बदतमीजी है क्या नहीं ठीक है ना। चलो जब किसी के साथ तू गलत बात करेगा आगे से गलत सुनेगा, ये मैं तेरे को इतनी सी बोल रहा हूं। चलो आपको बहुत पावर है ना, सत्य उठा तेरे को तेरे को यही एक चीज का था कि भाई मैंने जी उधर पैसे जाके दिए ना, यही चीज तेरे को थी तो मैं तेरे को साफ कर रहा हूं, मैं साहब के गेट पे हूं। उन्होंने बोला एसीडी के पास रुक, तू उधर से ही नहीं निकलता, मैं अभी गेट पे हूँ, डिस्ट्रिक्ट के गेट पे हूँ, मैं एसीडी के सामने तेरे को बोलूंगा तू जो तेरा धर्म बोलता है कि तूने जबरदस्ती वहाँ पैसे रखे या नहीं रखे। मैंने जबरदस्ती रखे, मैं मजबूर पब्लिक के उसमें था तब मेरे मैं तो खुदा थोड़ी ना हूँ यार, जैसे रिलीज आएगी पेमेंट रिलीज होगी। और पंचायतों के हमारे फर्स्ट में दिन निकले, हमने पैसा नहीं दिया, हमारे पैसे दीजिए तेरा काम जाने, वो उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ठीक चलो ठीक है, आपकी मान सर मैं क्या बोलूँगा। अब वो अपने वाले जो अपने किया है वो तूने सामना वो क्लियर कर ले, मेरे को कहाँ मिलना है मैं वहीं आ जाता हूँ। नहीं सर मैं देखो छोटा सा बंदा हूँ सर, जिन्होंने पैसे के लिए फोन किया ना तो अपने पैसे पकड़ ले भाई, मैं उस चीज का उस टाइप का बंदा ही नहीं हूँ मैं। जो ये बात है ना, अगर बोला अगर हमेशा साहब के पास गए हम अपनी प्रॉब्लम देखेंगे, आपने बोलना चाहिए था हम उनके बिल बनाएंगे या नहीं।